नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। आज गढ़वा में ऐतिहासिक मंदिर जय मां गढ़ देवी के प्रांगण में भंडारा कराने को लेकर इस रामनवमी महापर्व के अवसर पर नगर उटारी के समाधान ग्रुप एवं गढ़वा के जय मां गढ़ देवी भंडारा के तत्वाधान में नगर बंसीधर में आयोजित महावारी भंडारा के तर्ज पर मां गढ़ देवी मंदिर में भी हर माह भंडारा किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए मंटू पांडे ने गीतांश टीवी को बताया कि आज हम लोगों का जय मां गढ़ देवी भंडारा समिति और समाधान ग्रुप का आज हम लोगों का बैठक हुआ गढ़वा में राकेश गुप्ता जी के घर में। और हम लोग आज निर्णय लिए कि गढ़ देवी माँ में जिस तरह से समाधान द्वारा बंसीधर मंदिर में प्रत्येक माह को हम लोग भंडारा चलाते हैं, प्रत्येक माह को शनिवार को, उसी तरह के तर्ज पर हम लोग गढ़ देवी माँ में भी हम लोग भंडारा प्रत्येक माह अब शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम लोग कल से करेंगे। कल 10 से 11 बजे हम लोगों का कार्यक्रम का शुरुआत किया जाएगा और प्रयास है कि मंदिर में यह अनवरत चलता रहे। बंसीधर मंदिर में कि इसको लेकर हम लोग पिछले 2-3 माह से हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसका कि मूल रूप माता की इच्छा हुई कि नवमी में कार्यक्रम यह शुरुआत हो और कल हम लोगों का यह भंडारा का कार्यक्रम शुरुआत किया जाएगा। मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा आपके माध्यम से इस भंडारा में पहुँचें और हम लोगों को सहयोग प्रदान करें। बाकी राकेश गुप्ता जी यहाँ पे हमारे या और केतन भाई जो है हमारे, ये लोग के देखरेख में यहाँ कार्यक्रम का शुरुआत कर दिया गया, तैयारी कर दी गई है। विशेष ये बताएंगे यहाँ के लोगों का जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, सिर्फ चर्चा करने से, सोशल मीडिया पर चर्चा करने से इतना रिस्पांस मिल रहा है, निश्चित तौर पर सोशल मीडिया का भी हम देन कहेंगे कि इसको भंडारा को या बंसीधर मंदिर में जो भंडारा हुआ या यहाँ जो हम लोग करने जा रहे हैं, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, जिस पर चर्चा करके हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इसकी शुरुआत कल महाअष्टमी नवमी के तिथि के अवसर पर किया जाएगा 11 बजे दिन से। दोनों ग्रुप के सदस्यों ने बताया कि मेरा नाम केतन मल्होत्रा हुआ, गढ़वा जिला से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं समाज सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेता हूँ, पिछले 8 साल से मैं इस समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। अभी तो कुछ दिन पहले मुझे बताया गया कि हम लोग गढ़वा में एक भंडारा का आयोजन किया जाए। हम लोग हमेशा देखते आ रहे हैं हमेशा भंडारा का आयोजन होते रहता है और काफ़ी बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं। मैं तमाम नगरवासियों से और व्यवसायी बंधु से अपील करता हूँ कि इस भंडारे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और माता रानी का प्रसाद ग्रहण करें। 11 बजे दिन से दोनों ग्रुप के सदस्यों ने बताया कि हमारा प्रयास लोगों के सहयोग से उक्त कार्यक्रम को सफल बनाना है। इस कार्यक्रम में लोगों का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर राकेश गुप्ता ने गीतांश टीवी को बताया कि मैं राकेश गुप्ता दरवा, हम लोगों ने समाधान के द्वारा निर्णय लिया गया कि क्यों ना गढ़वा में एक भंडारा चलाया जा सके। जिस तरह से नगर उटारी में जो भंडारा चलते थे उसको देख के मैं इंस्पायर हुआ था और मैं भी चाहता था कि गढ़वा का माँ गढ़ देवी में इस तरह का भंडारा का आयोजन किया जाए। और मैंने फिर मीटिंग में भी गया था, अच्छा खासा लगा और लोगों का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा मिला हमको, ठीक है। इसी वजह से हम लोगों ने भंडारा करने का निर्णय लिया है। और ये जो भंडारा होगा ना, महीने के हर एक महीने में नवमी को ये किया गया, शुक्रपक्ष की नवमी को मतलब डेट निर्धारित की गई है, उसी दिन हम लोग करेंगे। और सबसे खास बात है कि नए वर्ष की शुरुआत है और नए वर्ष की शुरुआत में और माता रानी का आशीर्वाद है और माता रानी का आशीर्वाद से जो हम लोग का भंडारा का जो सफल हम लोग बनाने में समर्थ है, ठीक है। और हम लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला भी है गढ़वा के लोगों का भी, और हम सभी का धन्यवाद देते हैं और जिन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हमारे नगर उटारी के समाधान टीम है जिन्होंने हमें ये आइडिया दिया, धन्यवाद। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि उक्त भंडारा पहुँच कर प्रसाद अवश्य ग्रहण करें, धन्यवाद।